हेलो फ्रेंड्स, आज हम तीन तरह के नान बनाने जा रहे हैं, आलू कुलचा, बटर नान और गार्लिक नान। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दो कप मैदा लिया है मैंने, इसे हम बीच से गड्ढा कर देंगे। अब हम इसमें दो चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे, एक चम्मच बेकिंग पाउडर, हाफ स्पून बेकिंग सोडा, थोड़ा सा चीनी, आधा कटोरी दही लिया है मैंने, इसे डाल देंगे और हम इन सभी चीजों को मिक्स करेंगे। इस तरह से हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और अब हम इसे हल्का गुनगुना पानी से आटा इसका तैयार करेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसे गर्म पानी से हम आटा गूंदेंगे इसका। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, पानी डाल के इसे आटा गूंदेंगे इसका, सॉफ्ट आटा हम तैयार करेंगे इसका। आटा हमारा गूंथ के रेडी हो गया है, हम इसे एक से डेढ़ घंटा के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ढक करके। इसे पांच आलू बॉईल करके मैश कर लिया है मैंने। अब हम इसमें थोड़ा सा दो हरी मिर्च काट के डालेंगे, थोड़ा सा बारीक अदरक कटा हुआ, धनिया पत्ती, आधा चम्मच गरम मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। हम इसे सारी चीजों को मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। देखिए आलू हमने मैश करके रेडी कर लिया है। अब हम तैयार करते हैं कुलचा बनाना। थोड़ी देर के लिए मैंने इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। देखिए अब हम इसे एक बार और अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। अब हम इसके बड़े नींबू के साइज के गोल पेड़े बना लेंगे। देखिए छोटे छोटे पेड़े बनाकर मैंने रेडी कर लिया है। अब हम इसे बेलेंगे। इसे हम बेलेंगे ऐसे आयताकार में। कलौंजी डालेंगे ऊपर से और थोड़ा सा धनिया पत्ती, इस तरह से हम दबा देंगे। थोड़ा सा मैदा छिड़क के इस पे फिर से इसे थोड़ा सा बेल लेंगे हम। ये वाला हमारा तंदूर रेडी हो गया। अब हम दूसरा बनाते हैं। ये थोड़ा सा इस पे डाल लेंगे, इसे भी बेलेंगे हम।
ऑडियो जंगल। अब हम इसमें इस वाले में हम थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे और थोड़ा सा लहसुन डालेंगे, बारीक काट लिया है मैंने, इसे अच्छी तरह से चारों तरफ फैला देंगे हम और आटा उस पर डाल देंगे, इसे डैप डैप इस तरह कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। और चाहे तो इसमें सफेद तिल भी डाल सकते हैं और ये भी हमारा थोड़ा सा बेल लेंगे हम इसे ताकि अच्छी तरह से दब जाए अच्छी तरह से। ये भी हमारा रेडी हो चुका है गार्लिक नान, इसे भी हम साइड में रख देंगे। अब हम दूसरा बनाते हैं। अब हम इसमें आलू की स्टफिंग करेंगे, उस तरह से हम गोल कटोरी की तरह बना लेंगे और आलू को उस तरह से हम इसमें भर देंगे, थोड़ा सा आटा लगा लेंगे हाथ में और इस तरह से हम चारों तरफ से इसे इस तरह से हम गोल करके बेलेंगे। जरूरत पड़े तो आप थोड़ा सा और आटा इसमें लगा लीजिए। हो चुका है हमारा। अब हम इसमें भी थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे, थोड़ा सा कलौंजी डालेंगे इसमें भी, थोड़ा सा आटा ऊपर से इस तरह से डाल के और इसे भी थोड़ा सा और बेल लेंगे। ये तीनों रेडी हो चुका है हमारा। अब हम इसे सेकते हैं तवा पे, पानी लगा देंगे इस साइड से, नहीं इस साइड से हम पेन वाले साइड से पानी लगाएंगे जैसे तंदूर में हम बनाते हैं, और इसे इस तरह से रख देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे सेकेंगे। इधर से हमारा हो चुका है, ये फूलने लगा है। अब हम दूसरे साइड से सेकेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे और इस तरह से हम उलट के सेकेंगे। अब हम इसे गैस पे भी थोड़ा सा हाई फ्लेम करके सेक लेंगे हल्का सा इस तरह से ताकि अच्छी तरह से सिक जाए, कच्चा ना रहे। हमारा सिक चुका है, देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अब हम दूसरा सेकेंगे। हम इसमें भी दूसरे साइड से पानी लगा देंगे, इसे भी डाल देंगे इस तरह से और मीडियम फ्लेम पे इसे भी हम सेकेंगे। इसे भी हम पलट के सेक लेंगे इस तरह से। पलट पलट के अच्छी तरह से सेक लेंगे चारों तरफ से। Audio Jungle.
इसे भी हम रोटी की तरह हल्का हल्का सेक लेंगे। अब ये हम आलू के कुलचे में इसे भी हम पानी से इस तरह से लगा के और इसे भी हम तवे पे सेक लेंगे। अब हम इसे भी सेक लेंगे। आप अगर आयरन के तवे पे अगर बना रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नॉन स्टिक पे ना बनाए। तो हम इसमें बटर लगाएंगे। हमारा कुलचा नान सब रेडी हो चुका है, ये खाने के लिए अब रेडी है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। Thank you.
Audio Jungle.